रूबरू करवाऊंगा दोस्तों आपको कि पहाड़ों से ना बर्फ़ कैसी आती है। सबसे पहले स्टार्ट होती है ना ये बर्फ़ चोटियों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से शुरू हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे नीचे उतरती है दोस्तों। जितनी ठंड बढ़ती रहेगी उतना नीचे नीचे आएगी, ठीक है। ये होता है बर्फ़ के नज़ारे। नमस्कार दोस्तों, राम राम, झूले सलाम, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द एक्सप्लोरर वर्ल्ड पे। सर्दी तो आ चुकी है ना दोस्तों, बट ऐसा है कि अब बर्फ़ पड़ने वाली है, ठीक है। पहाड़ों में ना बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है। फिलहाल पहाड़ों में बर्फ़ पड़ रही है, कहने का मतलब ये है दोस्तों अगर बारिश आना स्टार्ट हो गई ना तो फिर बर्फ़ कुछ क्षण में यहाँ पर आ ही जाएगी। तो फटाफट हमने सर्दी में क्या क्या काम कर रखा है वो सब दिखाऊँगा दोस्तों। हमने लकड़ी लाई है या नहीं लाई है सारा दिखाऊंगा दोस्तों। फिलहाल तो मुझे फटाफट लकड़ियां काटनी पड़ेगी और पहाड़ों में तो आ ही रही है बर्फ, ठीक है। वो आपको सामने से मैं दिखाता हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आगे पहाड़ों में बर्फ आने स्टार्ट हो चुकी है और ये बर्फ ना धीरे धीरे नीचे पहुंच जाएगी गाँव में, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, मैंने लकड़ी भी सारी काट ली, ठीक है। सारी काट के यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, दिखाता हूँ मैंने कितनी लकड़ियाँ काटी। मतलब मैं सुबह से ही लगा था क्योंकि मुझे सुबह से ही अंदेशा था कि आज मौसम ख़राब होगा और मे बी शाम तक बारिश होगी और बर्फ़ भी आ सकती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं दिन भर यही काम कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि सारी लकड़ियाँ काट लेता हूँ सूखी सूखी, ताकि एक हफ्ते तक चल पड़ेगी ये सारी लकड़ियाँ। फिर एक हफ्ते तक तो मौसम साफ़ है, यानी कि आज कल तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश होगी, बर्फ़बारी होगी ऊँचे ऊँचे क्षेत्रों में, ठीक है। देन उसके बाद फिर से मौसम साफ रहेगा, तब तक के लिए लकड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दूध लाने, ठीक है दोस्तों, दूध लाने चलता हूँ। बट उससे पहले आपको दिखाऊंगा कि मम्मी जी ने ना कितनी सूखी सूखी लकड़ियाँ ला रखी है, मतलब सारी इकट्ठी कर रखी है, मतलब सर्दियों का कोटा बना के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है सर्दियों में, ठीक है। वो दिखाता हूँ सूखी सूखी लकड़ियाँ मम्मी ने कहाँ पे रखी है, कहाँ पे इकट्ठा कर रखी है, सब दिखाता हूँ दोस्तों, बने रहना। ऐसे ऐसे काम होते दोस्तों हमारे सर्दियों में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बांध की लकड़ी काट रखी है, ये काफ़ी, ठीक है। अब मैं चल पड़ा हूँ दूध लाने और साथ में आपको मैं दिखाऊंगा कि मम्मी जी ने कितनी लकड़ी ला रखी है जंगल से, ठीक है, इकट्ठा कर रखी है, ठीक है। वो सारी लकड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा घर है, यहाँ से पीछे काफ़ी जंगल है, ठीक है, जंगल ही जंगल है, तो सूखी लकड़ी बहुत मिल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। खेतों से निकल जाते हैं, जंगलों से मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो ये दिखाना चाहता हूँ, ये लकड़ी है और साथ में देखो लकड़ी का भंडार, यहाँ पे देखिए, ये देखिए मम्मी ने लकड़ी का भंडार कर रखा है पहले से ही, ठीक है। तो अब चलते हैं। और पहाड़ों में देखिए दोस्तों, बर्फ आना शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सामने जो पेड़ देख रहे हो ना आप दोस्तों, ये है खनौर का पेड़, जो ये पत्ती पत्ती सुखा के रखी ना यहाँ पे रखी गई है, तो ये पशु खाते हैं, भेड़ खाती है, बकरी खाती है, गाय खाती है, तो इसे यहाँ पे रखा गया है सारी पत्तियाँ काट के। और ये होता है दोस्तों बान का पेड़। जी हाँ दोस्तों, ये काम भी मैंने कर लिया, यानी कि मैंने दूध भी ला दिया और मौसम तो यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है आने वाला मौसम है, ठीक है। अगर मौसम ऐसी ख़राब रहा ना तो बर्फ़ आएगी आएगी, डेफिनेटली आएगी, तो इंतज़ार रहेगा मुझे बर्फ़ का, कब बर्फ़ आएगी, कब हम बर्फ़ में स्केटिंग करेंगे। फाइनली वो वक्त आ चुका है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बर्फ़ कितने नीचे आ चुकी है। कहने का मतलब है कि बर्फ़ धीरे धीरे ना नीचे उतर रही है। रूबरू करवाऊँगा दोस्तों आपको कि पहाड़ों से ना बर्फ़ कैसी आती है। सबसे पहले स्टार्ट होती है ना ये बर्फ़ चोटियों से, ऊँचे ऊँचे पहाड़ों से शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उतरती है दोस्तों। यही नज़ारे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, बने रहो, कहीं जाओ मत। जी हाँ दोस्तों, देखा ना सामने, ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, वाइट वाइट कलर का, ये फॉग नहीं है दोस्तों, ये स्नोफॉल हो रही है वहाँ पहाड़ों में, जंगलों में, ठीक है। सामने देखिए, वहाँ से नीचे जो गाँव है ना, ये बड़ा गंबा गाँव है, ठीक है। तो अगर ये मतलब मौसम ऐसे ही ख़राब रहा ना, कॉन्टीन्यूसली ये बर्फ़ मतलब 5 से 6 घंटे चली रहे ना, तो ये नीचे भी पहुंच जाएगी, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आ जाएगी, ठीक है। वैसे भी कल तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आने ही वाली है, वैसे तो कल काफ़ी मौसम ख़राब है, तो कल भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ आएगी। तो इस तरह से दोस्तों वहाँ पर देखिए पहाड़ों में किस तरह से बर्फ़ आ रही है, ये धीरे धीरे नीचे उतरती है दोस्तों। जितनी ठंड बढ़ती रहेगी उतना नीचे नीचे आएगी, ठीक है। ये होता है बर्फ़ के नज़ारे। तो अब चलते हैं दोस्तों। फ़िलहाल तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने प्राइमरी स्कूल में, अब मैं पहुंच चुका हूं स्कूल के ग्राउंड में,
ये है स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का ग्राउंड। ऐसे ऐसे स्कूल ना दोस्तों किसी किसी को नसीब होते हैं, क्योंकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने के लिए, ठीक है। काफ़ी शानदार देवदार के पेड़ दिखेंगे और सामने को बहुत ऊंची ऊंची चोटी दिखेंगे, तो बच्चों का मन क्यों नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है। तो हम भी इसी स्कूल से पढ़े हैं दोस्तों, हम भी इसी प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है। अब मैं चल पड़ा हूँ स्कूल से वापस घर की ओर। यह है स्कूल का शानदार गेट, सामने दिखेगा आपको, मैंने गेट को भी क्रॉस कर लिया है, ठीक है। ये स्कूल का शानदार गेट, ये पीछे का व्यू है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत है स्कूल का। तो अब यहाँ से भी चल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, घर पहुँचते पहुँचते एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। पहाड़ों में ना दोस्तों बर्फ़ आना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहाड़ों में ना बर्फ़ आने के क्या फ़ायदे हैं ये बताना चाहता हूँ। हम हमेशा सर्दियों में वेट करते हैं कि फटाफट बर्फ़ आ जाए, जिससे हमारे खेत ना उपजाऊ हो जाए, ठीक है। और बर्फ़ आने से ना जो हमारी यहाँ की मिट्टी होती है ना, उनमें मतलब उपजाऊपन आ जाता है, यानी कि मिट्टी मतलब उपजाऊ हो जाती है। मतलब सेबों की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है ये बर्फ़ आना, बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम बर्फ़ का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। यहाँ दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ घर, और फाइनली मम्मी भी आ चुके हैं। देखिए मम्मी ने एक बोझा और ला दिया, ठीक है। यहाँ पे मम्मी ने लकड़ियाँ ला दी और सूखी लकड़ी, ठीक है। तो इस तरह से मैं घर पहुँच चुका हूँ दोस्तों। आपको मैंने दिखाया कि पहाड़ों में किस तरह से बर्फ़ आती है, किस तरह से धीरे धीरे बर्फ़ नीचे उतरती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर और कम हो जाए तो फटाफट गाँव में भी पहुँच जाती है, फटाफट जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये सब दिखाने की कोशिश करी। तो अब चाय पीते हैं, फिर बाकी का प्रोसेस कल दिखाते हैं कि कल कैसा रहेगा मौसम। कल तो शायद बहुत ज़्यादा बर्फ़ आने वाली है, तो आपको ताज़ा ताज़ा बर्फ़ दिखाएंगे हम आपको कल। अगर कल बर्फ़ आएगी तो दिखाएंगे, अगर नहीं आएगी बर्फ़ तो कुछ और दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। इतना सा था, छोटा सा था, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।